इसका जो एयर सर्कुलेशन है वो चालू हो गया है, ठंडी हवा जो बॉडी है वो थोड़ा हीट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल माहिर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ये रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का 253 लीटर 3 स्टार, आप देख सकते हैं कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है ये, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि हमिंग टाइप का साउंड आता है, तो उसमें क्या रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम है या फिर रेफ्रिजरेटर बराबर है। तो और भी बहुत सारे टाइप के साउंड आते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा इसी रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो अगर साउंड आ रहा है तो आपका ये जो रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का, तो ये सही है या फिर इसको कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वो साउंड आता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसी सैमसंग 253 लीटर के बारे में, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, तो वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है 3-in-1 253 लीटर का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका जो मैंने प्लग है वो निकाल दिया है, आप देख सकते हैं ये प्लग निकाल के रखा है। साथ में मैं आपको इसको खोल के भी दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, यहाँ नीचे भी ये पूरा खाली है, तो मैं आपको दिखा दूँगा नीचे का पूरा खाली है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा खाली कर दिया है, इसका जो बॉटम है वो भी एम्प्टी कर दिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसका वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसको मैंने निकाल लिया, हमको जाना था बाहर तो तकरीबन 2 से 3 दिन ये बंद रहा है, तो इसीलिए इसको पूरा खाली कर दिया ताकि वीडियो भी बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसको मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ, तो ये है बैक साइड आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको पावर कोर्ड को कनेक्ट करूंगा और आपको सुनाऊंगा इसमें किस टाइप की आवाज़ आती है। उसके बाद सारा जो सामान है इसमें लोड करके मैं तकरीबन 10 से 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहूंगा और सब टाइप की आवाज़ आपको सुनाऊंगा अगर आएगा तो। तो चलिए इसको प्लग लगा देता हूं मैं, तो यहां पे मैंने प्लग को कनेक्ट कर दिया, मैं जो अपना माइक है उसको निकाल देता हूँ। हल्की साउंड आ रही है, यहाँ से हल्की साउंड आ रही है, शायद सुनाई दे, वो वीडियो एडिटिंग के बाद पता चलेगा सुनाई कितना दे रही है। जैसी आवाज आ रही है जैसा कमेंट किया था, तो उन्होंने जैसे कमेंट किया था कुछ उसी टाइप का करके आवाज आ रही है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ बहुत 2-3 दिन बाद, इसलिए हो सकता है। इसका जो एयर सर्कुलेशन है वो चालू हो गया है, ठंडी हवा आने लगी है धीरे धीरे, ठंडी हवा धीरे धीरे आने लगी, उसका थोड़ा सामना आ रहा है। अभी यहाँ नीचे फ्रिज में किसी भी टाइप की अलग किसी भी टाइप की मिल रही है, कोई एयर भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं सब कुछ बंद है यहाँ पे, किसी भी टाइप की साउंड इसके अंदर सुनाई दे रही है। फ्रीजर की भी साउंड थोड़ी कम हो गई है, आप सुन सकते हैं पहले ज़्यादा साउंड आ रही थी, अभी कम साउंड हो गई है। अभी वापस से पीछे जाते हैं, बैक साइड जाते हैं, देखते हैं बैक साइड कितनी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे बैक साइड जूम करके आवाज़ आ रही थी वो भी कम हो गई है, बहुत थोड़ी सी आवाज आ रही है। यहाँ पर मैंने माइक लगा दिया है, मुझे इतनी ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं दे रही है, जैसा कि कमेंट में आया था कि साउंड ज़्यादा आ रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, रेफ्रिजरेटर बराबर है या नहीं है। करके साउंड आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने इसमें सामान रख दिया है तो थोड़ी आवाज़ आ रही है और ठंडी ठंडी एयर भी आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस टाइप का अगर आपको थोड़ी एयर आ रही है और इस टाइप का हल्का आवाज़ आ रहा है, इसे सुन सकते हैं, इस टाइप की आवाज़ आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे भी आप देख सकते हैं मैंने सामान जो कि है रख दिया है,
तो यहाँ पे भी एयर सर्कुलेशन आ रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसमें मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। फ्रीज़र में आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे मैंने इसको -15 डिग्री पे सेट किया है और 7 डिग्री पे, इससे ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से इस पर आवाज़ सुनाई देती है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बैक साइड कितनी आवाज़ आती है वो देख लेते हैं, बैक साइड कितनी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मैं साइड में आ गया हूँ। इसका जो बॉडी है वो थोड़ा हीट हो रहा है, तो नॉर्मली जब मैं फर्स्ट टाइम ये आया था उसके बाद जब चालू करने के बाद भी थोड़ा हीट हुआ था, तो रेगुलर यूज़ के बाद फिर इसका जो हीट होना वो बंद हो गया था। 2-3 दिन बाद ये चालू है इसलिए इसका जो बॉडी है वो थोड़ा हीट हो रहा है। अभी यहाँ पे हम आ जाए हैं पीछे, जो मैंने पहले चालू किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है अभी पे। तो मैं आपको माइक लगा के सुना देता हूँ। तो आपको आवाज़ पता चल गई होगी कैसी आवाज़ आ रही है। जो रेगुलर आई थिंक सभी रेफ्रिजरेटर में इस टाइप की आवाज़ आती ही होगी, तो कुछ उसी टाइप की आवाज़ है, कोई ऐसा अलग टाइप की आवाज़ मुझे नहीं लग रहा है। उसके कंप्रेसर के पास भी सेम साउंड आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके जो यूज़र गाइड में बताया था कि कितनी टाइप की आवाज़ आ सकती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे अलग टाइप की आवाज़ आती है तो आपको अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो चेक करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कोई आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दी है। तकरीबन 3 घंटा हो गया है फ्रिज चलते हुए, तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है। तो आई थिंक फ्रिज में कोई प्रॉब्लम, अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंजन जी ने जो कॉमेंट किया था, तो उस टाइप का अगर आवाज़ आ रहा है ह्यूमिंग करके कोई आवाज़ आ रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन सकते हैं वैसा ही आवाज़ आ ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेफ्रिजरेटर है वो चालू है, अभी तकरीबन 12 घंटा से 13 घंटा हो गया है। तो अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ, मैंने जो ये चालू किया था वीडियो जब बनाना चालू किया था तो 11:15 हो रहा था, तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ उस मोबाइल फ़ोन का। तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम 11:47:46 हुआ है PM में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही टाइम दिखा रहा है, देख सकते हैं 11:47 PM। अभी मैं आपको फ्रिज के बारे में बताऊंगा 12 घंटे के बाद क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, साउंड कैसा है और बॉडी हीट है कि नहीं है, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले बॉडी एकदम नॉर्मल हो गया है, किसी भी टाइप का हीट मुझे नहीं लग रहा है, एकदम नॉर्मल है। जो स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था 3-4 घंटे के बाद हीट लग रहा था, लेकिन अभी कोई भी हीटिंग नहीं है। तो मैं एक बार रेफ्रिजरेटर खोल कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ये रेफ्रिजरेटर को सेट किया है वो फ्रिज के लिए सेट किया है, फ्रीज़र और फ्रिज दोनों फ्रिज में कन्वर्ट रहेगा, फ्रीज़र के लिए बंद रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एयर है वो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि फ्रिज के सेट किया है मैंने। तो एक बार अंदर का साउंड को सुना देता हूँ। तो आप देखिए साउंड वैसा ही रहेगा, वैसा ही होगा जैसे सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम साउंड थोड़ा ज़्यादा था, सेकंड टाइम भी जितना ही साउंड है। मैं नीचे फ्रिज ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आज जैसे मैं फ्रिज ओपन किया साउंड बंद हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रिज के अंदर हल्की सी थोड़ी थोड़ी एयर आ रही है, लेकिन कोई भी टाइप का साउंड अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले बंद कर दिया, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आपको सुनाता हूँ कंप्रेसर का साउंड, जो कि बिल्कुल भी बंद है, साइलेंट है। तो यहाँ पे मैं माइक को जो मैंने रख दिया है, तो मैं सुन पा रहा हूँ एकदम हल्का सा साउंड है जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भी साउंड सुन सकते हैं, तो नॉर्मल साउंड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का अगर साउंड आ रहा है रेफ्रिजरेटर में तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन 12 से 13 घंटा मेहनत के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सबको पता चले इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, कोई प्रॉब्लम किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको पता चल जाए कि हाँ
ऐसी आवाज़ आती है, जो थोड़ा बॉडी हीट होता है वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, जिससे आपको मिलता है नोटिफिकेशन सबसे पहले जैसे मैं कोई डालूँ इस टेक्निकल माहिर चैनल पे। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, या फिर आपको कुछ पता है कुछ बताना चाहते हो, तो कॉमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।